उनको कोटा वाला सारा कुछ यहाँ मिलेगा? कोटा से ज्यादा मिलेगा सर, क्या मिलता है कोटा में आप बताओ, उससे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है क्या? कोटा में बड़े बड़े कोचिंगों में क्या रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे को मिल रहा है? नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से मत लीजिएगा इसको। लेकिन PW कहीं भी जाके किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। PW जहाँ जाता है वहाँ का ट्रेंड PW को फॉलो करने लगता है। यहाँ कोचिंग एरिया नहीं था, यहाँ पे कोचिंग हब बनेगा। पटना एक ऐसा कोचिंग हब बनेगा जो अभी तक था ही नहीं। पटना में बहुत रैंडमनेस है, जैसे दो फ्लोर पे क्लासेस चल रही है, तीसरे फ्लोर पे मॉल है, ऐसे रैंडमनेस आप जानते होंगे। कोई एक ऐसा प्रमाइसिस एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे अंदर पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे कि सर, बहुत बच्चे के मन में ये डाउट रहता है, कोटा है, कोटा नहीं जा सका और अब PW में एडमिशन ले लिया, तो क्या उनको कोटा वाला सारा कुछ यहाँ मिलेगा? कोटा से ज़्यादा मिलेगा सर, क्या मिलता है? कोटा के बच्चे बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत मेहनती है। सर क्या हुआ था? एवरीवन वेलकम टू सुकेश एकेडमी। आज मैं फिर से आ गया हूँ विद्यापीठ सेंटर PW का, और आज यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है। तो सर वेलकम टू माय चैनल। सर नमस्कार। सर जैसे कि आज ने आप पटना के बच्चे से भी मिल लिए, तो आप क्या कैसा लगा पटना से बच्चे से मिल के? सर आपको पटना के बच्चे बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत मेहनती है। सर क्या हुआ था कि हमारे आज ना AC का काम पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, ये AC हम नहीं चला पाए, गर्मी बहुत थी। पटना के बच्चे ही नहीं, टीचर भी, जो भी हमारे टीचर हैं जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं बाहर से भी, वो पूरे पसीने में भींगे हुए थे, लेकिन वो ले रहे थे ओरिएंटेशन सेशन। बच्चों से हमने पूछा कि यार ऐसा है या क्लास से एक दो दिन बिना AC का चलेगा? तो उन्हें पढ़ाओ सर, क्या बात कर रहे हो, हम पढ़ने आए हैं, हम AC में बैठने थोड़ी ना आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही एकदम अलग एनर्जी से बच्चे आए हैं, और उस तरह का प्रमाइसिस आप बिल्डिंग देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग में पढ़ाई की बातें होगी, ऐसा नहीं है ऊपर मॉल नीचे बिल्डिंग है हमारी क्लास हो रही है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट प्रमाइसिस है, जहाँ पे लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, डाउट रूम है, कंप्लीट एक इन्वायरमेंट है पढ़ाई का। सर एक जैसे बच्चे अभी जैसे ज्वाइन करते हैं तो मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है सर, लेकिन जब टाइम बीतते जाता है मोटिवेशन खत्म होता है, और साल भर बच्चा मोटिवेट रहे, दो साल फाउंडेशन कोर्स होता है, दो साल का ड्रॉप आउट वन ईयर का, सर कैसे मोटिवेट रहे बच्चा, सर आप क्या संदेश देंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा बच्चों के साथ रिलेशन सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, सिलेक्शन का नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिलेशन है, एक विज़न है जिससे वो भी अलाइंड है, हमारे बच्चे भी PW को बनाने वाले बच्चे हैं। तो हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, उसमें यही एक सबसे स्पेशलिटीज़ है कि हमारा रिलेशन, हमारे जो करिकुलम है उसका इम्पैक्ट बच्चों के जीवन भर रहता है। हम बच्चों के साथ लग के पूरे साल मेहनत करते हैं। ऑफलाइन में बच्चे हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम शेयर करें, तो साल भर टीचर के साथ लगे रहे, और टीचर बच्चों के साथ हर मोमेंट पे हर समस्या में साथ खड़े होकर मेहनत करती रहेगी ना। तो जैसे ही एक महीने बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चों के नंबर कम आए, तो हम बच्चों को मॉनिटर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, एक नए एनर्जी से उसको शेड्यूल बना के देंगे। तो करिकुलम ऐसा है ना कि बात तो आप एक महीने ही क्या कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई के बाद भी उसके साथ मोटिवेशन के तौर पे लगे रहेंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि सर बच्चे को क्या कुछ खास मिलने वाला, जैसे कि सर ऑनलाइन क्लास कर रहा ऑफलाइन में, तो जैसे किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या खास रहेगा? उसके लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो है क्लास में, जो वीडियो चल रहा होगा क्लास में, जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, वो उसके ऐप में मिल जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा कि बच्चा किसी दिन एबसेंट हो गया, तो उसको डाउट काउंटर पे जाके डाउट टीचर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उस पर दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे टीचर से पढ़ने पे क्या होता है, मेथोडोलॉजी अलग होता है, तो मैच नहीं करता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों को मिल जाएगा, वो दिन में क्लास नहीं कर पाया तो शाम को रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा। दूसरा ये होता है कि क्लासरूम में बच्चा पढ़ रहा है, उसको किसी मोमेंट में कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो टीचर से पूछ नहीं पाया। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं काफ़ी बच्चे, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में सारे बच्चे बहुत डार डाउट पूछेंगे। हम भी कोटा में बहुत लंबे समय तक पढ़ाए हैं, हमारे एक क्लासरूम में 400 बच्चे बैठते थे, मुश्किल से हफ्ते भर में कोई 4 डाउट आता था, ठीक है ना। तो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े शर्माते हैं, डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो किसी इंस्टेंट पे जो कंसेप्ट उसको समझ नहीं आया, तो घर पे जाके उसको पूरा वीडियो मिलेगा, वहाँ से डाउट क्लियर कर लेगा। कितनी अच्छी बात है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते भी हैं, बच्चे मेडिकल वाले बच्चे का फिजिक्स बहुत कमजोर रहता है, तो किस तरह से वो अपने फिजिक्स को? गलत बात है, आपने गलत स्टेटमेंट बोला, कोई बात नहीं। फिजिक्स वाले नीट वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर नहीं होता, नीट वाले बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स उसके सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन नहीं है, है ना। उसके सिलेबस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ नहीं है। तो फिजिक्स बहुत जोरदार समझता है वो, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अटक जाता है। उसके लिए अलग से हम, चाहे 11th हो, JEE हो, नीट हो, ड्रॉपर हो, सब में पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, है ना। एक चैप्टर में 10 लेक्चर देते हैं ना हम लोग, तो 10 लेक्चर पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स में देंगे, चाहे वो JEE हो, नीट वालों को भी देंगे, JEE वालों को भी देंगे, 11th वालों को देंगे, ड्रॉपर वाले को देंगे, मतलब उसको पहले तो 15 दिन तक हम बेसिक मैथ ही पढ़ाएंगे।
बस हो गया मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व, फिजिक्स वो समझता है, सवाल अब सॉल्व कर लेगा। बिल्कुल सर। जैसे कि सर पटने के बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में सर? नहीं, पटना के बच्चे क्या, पटने यहाँ पे बच्चे सिर्फ पटना के नहीं है, पूरे बिहार के हैं और अलग अलग स्टेट्स, उड़ीसा से मेरे सुबह से शाम तक 10 बच्चे उड़ीसा के मिल चुके, वेस्ट बंगाल के 10 बच्चे मिल चुके, झारखंड के बहुत सारे बच्चे मिल चुके, तो हर जगह के बच्चे हैं और सारे PW के बच्चे हैं। इनको ना विज़न पहले से बहुत क्लियर है ना, वो यहाँ पे ना तो हमारा क्लासरूम देखा बच्चों ने, ना ही हमने AC की फैसिलिटी देखा, ना ही बच्चों ने ये देखा कि टीचर्स कौन से होंगे, बस वो PW के ट्रस्ट पे एडमिशन लिया है। मतलब सैल्यूट ऐसे बच्चों को कि PW को बच्चों ने ही बिल्ड किया है, उसका मतलब यही है कि बच्चों ने बोला हमें ज़रूरत है आप यहाँ पर आइए, और हमने बोला ठीक है हम आ रहे हैं, एडमिशन ले लिया बच्चों ने। सोचो ये कितना बड़ा ट्रस्ट एंड भरोसा है। मतलब आप समझिए कि आप कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो क्या मॉल में पहले पैसा जमा करा देते हैं, बाद में कपड़ा लेते, कोई भी किसी भी फील्ड में। यहाँ पे क्या है, बच्चे ने पहले फीस जमा करा दिया और बोला PW तो जोरदार पढ़ाएगी। अब ये भरोसा ना सर रात भर सोने नहीं देता है, हर एक चीज़ को जब तक हम मॉनिटर ना कर ले कि स्ट्रीम लाइन है या नहीं, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम। एक हॉस्टल की भी यहाँ पे समस्या आती है ना, आपको क्या लगता है? अलग सर वो मैसेज देखते हैं, हाँ कहीं भी किसी YouTube चैनल पे या कोई भी YouTube चैनल पे कहीं कोई वीडियो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉस्टल नहीं मिल रहा, ये भी स्क्रीनशॉट अलग सर के पास आता है, वो रात में बैठ के 2 बजे रात में फ़ोन लगाते थे। रिजल्ट भी दिख रहा है सर, हॉस्टल यहाँ पे एक भी नहीं थे लेकिन अभी हॉस्टल भी हो गए। देखो ये तो होता ही है, थोड़ा सा अलग तरीके से मत लीजिएगा इसको, लेकिन PW कहीं भी जाके किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। PW जहाँ जाता है वहाँ का ट्रेंड PW को फॉलो करने लगता है। यहाँ कोचिंग एरिया नहीं था, यहाँ पे कोचिंग हब बनेगा, पटना एक ऐसा कोचिंग हब बनेगा जो अभी तक था ही नहीं। पटना में बहुत रैंडमनेस है, जैसे 2 फ्लोर पे क्लासेस चल रही है, 3रे फ्लोर पे मॉल है, ऐसे रैंडमनेस आप जानते होंगे। कोई एक ऐसा प्रमाइसिस एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे अंदर पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे कि सर बहुत बच्चे के मन में ये डाउट रहता है, कोटा है, कोटा नहीं जा सका और अब PW में एडमिशन ले लिया, तो क्या उनको कोटा वाला सारा कुछ यहाँ मिलेगा? कोटा से ज़्यादा मिलेगा सर, क्या मिलता है कोटा में आप बताओ, उससे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है क्या? कोटा में बड़े बड़े कोचिंगों में क्या रिकॉर्डेड वीडियो बच्चे को मिल रहा है? नहीं सर। दिवाली की छुट्टी में बच्चा छठ की छुट्टी में आएगा वहाँ से कि नहीं आएगा बताइए? आएगा। चलिए, आपने देखा कि मैंने बात किया MR सर से, आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं।